सो गाइस, अभी हम लोग हैं नौगांव सिटी में और जस्ट हम लोग महामृत्युंजय मंदिर देख के आए हैं। और गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको नौगांव सिटी दिखाने वाला हूँ और वो भी बाइक पे बैठ के। तो वीडियो पे एक जरूर लाइक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस बहुत तेज भूख लगा, पता है ना, पूरा मोबाइल में ज्यादा चार्ज भी नहीं है इसलिए मैं पावर बैंक से कनेक्ट कर रखा हूँ अपने मोबाइल को। मैं पहली बार मतलब नौगांव ऐसे आया था, लेकिन नौगांव सिटी कभी एक्सप्लोर नहीं किया अपने लाइफ में, तो पहली बार कर रहा हूँ भी बाइक में। तो काफ़ी डेवलप, बहुत ही ज़्यादा डेवलप है नौगांव। नौगांव का विशाल मार्केट, अभी मतलब अंदर घुसने का टाइम नहीं है इसे बाहर से दिखा दे रहा हूँ आपको। और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है नौगांव में, एकदम नौगांव सिटी में हम लोग घूम रहे हैं अभी और एकदम खतरनाक ट्रैफिक मिल रहा है अपने को। बारबेक्यू कैफे भाई, एक खतरनाक वाला कैफे। भाई यहाँ पर कोई स्टेडियम है शायद, पता नहीं कौन सा वाला स्टेडियम है। तो सुमित भैया ने बताया कि ये नौगांव का स्टेडियम है, बहुत बड़ा है, नौगांव स्टेडियम बोलते हैं इसको। और इधर में ट्रैफिक जाम देखो आप लोग। और गाइस, ये है नौगांव कॉलेज जो सुमित भैया ने बताया, देखो नौगांव कॉलेज, ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध कॉलेज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और गाइस, कुछ दिन पहले एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, हिमंत विश्व शर्मा सर इधर आए थे और ये रहा नौगांव क्लॉक टावर। लेकिन ये दिन में इतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन रात को ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लाइटिंग होता है। ये नौगांव क्लॉक टावर। गाइस, धीरे धीरे अपना देश भी पूरा फॉरेन कंट्री को टक्कर दे रहा है भाई, धीरे धीरे सब कुछ फॉरेन कंट्री के जैसे बन रहा है अपने देश में भी। तो गाइस, सबको बहुत ही ज़्यादा भूख लगा और सुमित भैया ने बोला कि डोमिनोज में जाएगा वो, तो हम लोग अभी मैप में देख के डोमिनोज में जा रहे हैं। तो वीडियो पे बने रहिए और एक लाइक भी ज़रूर कर लेना। गाइस, इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है नौगांव में। फाइनली डोमिनोज भी हो चुका है गूगल मैप का सहारा लेके, लेकिन सुमित भैया को पता था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन सबको ही मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो गूगल मैप का सहारा लिया। और कभी कभी गूगल मैप धोखा दे देता है, लेकिन आज धोखा नहीं दिया। तो ये रहा डोमिनोज। सो गाइस, पावड़ी तो चला गया, लेकिन अपना अभी पावड़ी स्टार्ट होगा भाई, पावड़ी। हाँ भाई, क्या ही हवा मार रहा भाई, ये सी और मजे लग गया, इतना खतरनाक हवा मारा कि मेरे चूल से खतरनाक हो गया। और ये रहा डोमिनोज। यहाँ पर अपना ऑर्डर हो चुका है, एकदम नॉर्मल वेज पिज्जा लिया, क्योंकि आज मीन्स मंडे है, तो आज मीन्स नॉन वेज नहीं खा सकता, तो वेज ही ले लिया। वैसे अपना डोमिनोज आ चुका है।
रेडी हो चुका है, आते हैं अभी। पिज्जा खाना हो गया और मैं अगर रेटिंग दूं पिज्जा को, ये 5 में से 2 स्टार रहेगा भाई, इतना अच्छा भी नहीं था। तो गाइस यहाँ पर अपना खाना वाना हो चुका है, तो अभी हम लोग जाएंगे फिर से घर, तो बने रहिए और भी कुछ है दिखाने के लिए। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ लौंगा पे और देखो यहाँ पर भी कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। So guys, अभी हम लोग है मतलब लामडिंग का हाईवे में, लौंगा टू लामडिंग हाईवे में। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ही खत्म। कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस ब्लॉग को। तो गाइस मैं मिलूं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।